नमस्कार। गर्मी का सीजन है, लोग गर्मी में तरबूज वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तरबूज तो खा लेते हैं लेकिन उसके छिलके का वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो आइए आज उसी छिलके से हम एक रेसिपी बनाते हैं जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। और ये रेसिपी आप केक में भी डालिए, इस चीज़ को जो हमने बनाया है उसको आप केक में भी डाल सकती हैं, मिठाई में भी डाल सकती हैं, या कोई स्मूदी बनाइए उसमें भी डाल सकती हैं। तो देखिए, ये हमने लाल वाला पार्ट निकाल दिया है तरबूज का, ये हरा छिलका है इसका। तो इसको हम एक चाकू लेंगे और उससे हम इसको पतला काट लेंगे। इस तरह से आप इसको काट लीजिए। देखिए, इसमें जो लाल वाला पार्ट है थोड़ा बहुत, उसको आप इस तरह से निकाल दीजिए। और ये इसका छिलका जो है ये हार्ड होता है, तो इसको आप इस तरह से छील लीजिए। ये छिलके को देखिए, हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे। आप चाहे तो एक चॉपर बोर्ड ले लीजिए, उस पर भी काटिए, लेकिन हमको इस तरह से इसमें आसानी होती है। ये हम इस तरह से काटेंगे। आप चाहे तो बड़े बड़े पीस में भी इसको काट सकती हैं, इस तरह से भी आप काट सकती हैं और इस तरह से भी काट सकती हैं। तो हम इसमें दो पार्ट कर लेंगे इस तरह से, और हम थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, हम इतना पानी डालेंगे कि इसके अंदर ये जो टुकड़े हैं तरबूज के वो डूब जाएं। अब आइए इसको हम ढक देते हैं, इसको हम उबलने देते हैं। ये देखिए, हमने पानी जो उबालने के लिए रखा था, पानी उबल गया है। जो तरबूज के छिलके को हमने काटा है उसको हम इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। धीरे धीरे डालिएगा क्योंकि पानी बहुत गर्म है, छींटा पड़ सकता है। तो इस तरह से आप इसमें धीरे धीरे डाल दीजिए और इसको चला के ढक दीजिए। ये अच्छे से उबल जाना चाहिए। तो आइए इसको अब हम ढक देते हैं। इसको हम इतना उबालेंगे कि ये नरम हो जाए। देखिए, ये उबल चुका है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये हमने 250 ग्राम चीनी लिया है और हम इतना ही पानी डालेंगे इसमें। जिस बाउल से हमने चीनी लिया है उसी से हम पानी डालेंगे। अब इसको हम चलाएंगे। हमको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमको सिर्फ चीनी पिघलाना है। चीनी देखिए मेल्ट हो गई है। अब आइए इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। चीनी को भी हमको उबालना है, एक उबाल आने तक। 2 मिनट हो गया है, इसको हम खोल के देख लेते हैं। देखिए, ये उबाल आ गया है चीनी में। ये जो तरबूज के छिलकों को हमने उबाला है उसको हम इसमें डाल देंगे। अभी ये देखिए, इसका पीस बड़ा लग रहा है लेकिन जब ये चीनी में उबलेगा तो ये छोटा हो जाएगा। बहुत सावधानी से डालिएगा क्योंकि चीनी है ये, अगर छींटा पड़ेगा तो हाथ जल जाएगा। अब इसको हम ढक देंगे और हमको इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये चीनी गाढ़ी ना हो जाए, और बीच बीच में हम इसको खोल के चलाते भी रहेंगे।
आइए इसको अब खोल के देखते हैं हम। ये देखिए ये पक चुका है और ये अच्छे से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसमें देखिए चीनी जो है सब सोख लिया है अच्छे से और ये सिकुड़ भी गया है पहले की अपेक्षा। तो आइए अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं इस तरह से। इसी तरह से देखिए हम दूसरे में भी निकाल लेंगे सिरे सहित। इस तरह से हम इसको चार बाउल में निकालेंगे, चार कलर का हम बनाएंगे। मेरे पास तीन कलर है, ये हम पीला कलर डालेंगे इसमें। और इसको हम चला देंगे। पहले आप थोड़ा सा लेकर डालिएगा, फिर बाद में आप अगर कम होगा तो हल्का सा और डाल दीजिएगा। मेरे पास यही तीन कलर था तो हमने डाल लिया है। अब हम थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा पीला इसमें मिलाएंगे। ये चार कलर की फ्रूटी बन के तैयार है। अब इसको हम ढक के ओवरनाइट रख देंगे ताकि जो हमने बनाया है फ्रूटी इस पर कलर अच्छे से चढ़ जाए। ये हमने पूरा ओवरनाइट रखा था भिंगा के इसमें। अब आइए हम इसको एक चलनी लेते हैं, इसके नीचे एक बाउल हम रखेंगे, प्लेट रखेंगे और इस पर हम चलनी रखेंगे। अब इसको जो है हम इसमें से तरह से निकाल के इसको फैला देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो इस प्लेट में निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। येलो भी निकाल देते हैं। इस तरह से हमने इस पे जाली पे निकाल लिया है। इसको हम दो तीन घंटे के लिए कमरे में छोड़ देंगे। आप चाहे तो पंखे की हवा में भी इसको रख सकती हैं। ये ड्राई हो जाएगा, सारा जो चाशनी है इसका ये नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको हम दो घंटे के लिए रख देते हैं। सूख चुका है, इसका सारा सिरा इस प्लेट में आ गया है। अब आइए हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। ये चेरी बनके रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।